सूरा मेरे मज पम्मा डठण बिर मनी सिखा पधिंग समाधियानी अमत विनय है, यानी जो कभी ना मिटने वाले जो नियम है उनकी प्रैक्टिस हम यहाँ पे रोज करते हैं। रोज बताते हैं कि समर संघ के 10 गोल्डन रूल क्या हैं। जैसे जब हमारी मीटिंग शुरू होती है, मीटिंग शुरू होते वक्त जैसे हम भारत के संविधान का के उद्देशिका का रोज पाठ करते हैं, वैसे ही हम समर संघ के जो 10 गोल्डन रूल्स हैं उनका पाठ करते हैं। क्योंकि ये 10 गोल्डन रूल्स बहुत महीनों की ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, बहुत महीनों की मेहनत के बाद संघ ने अपने लिए तैयार किए हैं, जिनके आधार पे संघ काम कर रहा है और काम करेगा। एक एक करके ये 10 गोल्डन नियम हम फिर से इनकी रिपीटेशन करेंगे, क्योंकि इन 10 नियमों को हम जितना बोलेंगे, जितना एक्सप्लेन करेंगे और जितना इन पे बात करेंगे, संघ को समझने में उतनी ही आसानी होगी और संघ को समझाने में उतनी ही आसानी। तो समण संघ का जो पहला गोल्डन रूल है वो है केवल समण। जाहिर सी बात है कि क्योंकि संघ समणों का है और समण ही अपनी खुशी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो खुशी उनको अचीव करनी है, जो लाइफ में उनको सुख सुविधा अर्जित करनी है, उसके लिए समण ही मेहनत कर रहे हैं, तो संघ में सिर्फ और सिर्फ समण आएंगे और समण के अलावा कोई और आके करेगा भी क्या। कोई बमण आ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो समण नहीं है या जो इस समण संघ की आइडियोलॉजी का नहीं है, वो यहाँ आके करेगा भी क्या, या हमको दे तो कुछ सकता ही नहीं है और लेके भी जाएगा क्या, हम तो सारे काम अच्छे करते हैं। तो इसलिए इसमें केवल केवल समण की एंट्री है, क्योंकि जब समण अपने लिए काम कर रहे हैं तो हमें किसी और की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा जो नियम है समर संघ का वो ये है कि समर संघ चंदा कभी ना लेगा ना देगा, चंदा कभी नहीं। तो संघ का जो ये दूसरा नियम है चंदा कभी नहीं, ये बहुत पहले से समणों में एक बीमारी थी और उस बीमारी की जड़ थी, जिसको समर संघ ने एक झटके में काट दिया। क्योंकि पैसा जब कहीं पे इन्वॉल्व होता है तो पैसा अपने साथ साथ बहुत सारी चीजें लेके आता है, जिसमें बहुत सारी बुराइयां भी होती हैं। आप अगर देखेंगे भारत के इतिहास में जितने भी समणों के संगठन बने, ऑर्गेनाइजेशंस बनी, एसोसिएशंस बनी, दल बल सब पार्टी जितनी बनी, उन सबका जो विनाश का एक कारण रहा, जितने भी कारण रहे उसमें से एक कारण पैसा भी रहा, चंदा भी रहा। इसलिए समर संघ ने इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया, क्योंकि संघ का काम है निरंतर मिलना, बार बार मिलना, बार बार उठना, बार बार बैठना, अपनी समस्याओं को साझा करना, अपने सुखों को बांट के बढ़ाना। तो उसमें पैसे का तो कोई रोल ही नहीं है, उसमें पैसा तो कहीं आता ही नहीं है। और वैसे भी जितने भी आप अपने समण महापुरुष देखेंगे, उन सबको देखेंगे कि उन्होंने हमेशा लोगों पे काम किया, उन्होंने हमेशा, और उसी से ही आज ये उसका रिजल्ट है कि आप और हम इतने बढ़िया बढ़िया जगहों पे बैठ के ऑनलाइन मीटिंग कर पा रहे हैं। और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, महासमण रहे हैं, वो पैसे पे काम अगर कर रहे से, किसी ने पैसे पे काम नहीं करा, सबने लोगों पे काम किया। और संघ में पैसे की जरूरत नहीं है, संघ में लोगों की जरूरत है, इसलिए संघ में पैसे की बात यानी चंदा कभी नहीं, संघ में जाति का अभ्यास कभी नहीं। किसी ने पूछा कि ये जाति है, ये जाति क्यों नहीं है, क्योंकि जाति तो है ही नहीं। जब कोई चीज है ही नहीं तो उसके आने या उसके जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जाति आप मानोगे तो है, आप उसकी एग्जिस्टेंस को नकार दोगे तो नहीं है। और वैसे भी संघ में जो पहले षड्यंत्र करके टुकड़े किए गए संघ के, उसमें एक ये बीमारी भी थी जिसको संघ ने खत्म कर दिया।
कि जाति के नाम पे लोगों को बांटा गया, उनके अपने कबीलों के नाम पे उनको बांट दिया गया, जाति में हजारों टुकड़े कर दिए गए, और उससे ज्यादा नुकसान तो जो है जो अगला रूल है उस जिस काम के लिए वो रूल लाया गया उस काम ने कर दिए। तो जाति का अभ्यास कहीं नहीं, क्योंकि जाति है ही नहीं, तो उसका अभ्यास भी कहीं नहीं होगा। ना उसको हम बात करते हैं संघ में, ना उसकी कोई चर्चा करते हैं, ना किसी को बोलने देते हैं, ना कुछ बोलते हैं, तो जाति का अभ्यास कभी नहीं। चौथा नियम है केवल संघवाद। तो जब हजारों टुकड़े जाति के नाम पे हो गए समणों के, उसके बाद लाखों टुकड़े संगठनवाद से हो गए, पार्टीवाद से हो गए, और बहुत सारे पॉलिटिकल वाद आ गए इसमें, बहुत सारी अलग अलग चीजें आ गई जिससे और ज्यादा टुकड़े हो गए। तो इसलिए संघ में केवल संघवाद चलेगा, केवल संघ की बात होगी, जो डिसीजन होंगे वो संघ के होंगे, आगे बढ़ेगा तो संघ बढ़ेगा, अचीव करेगा तो संघ करेगा, कहीं कुछ लेना होगा तो संघ लेगा, कहीं कुछ देना होगा तो संघ देगा। तो संघ ने जब बाकी सारी बीमारियों के इलाज कर दिया, उनको जड़ से खत्म कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ केवल संघवाद रहेगा। संघवाद रहेगा तो हम जीवित रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। पांचवा जो संघ का नियम है वो है पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। जब संघ बैठा, संघ ने सोचा, संघ ने विचार किया, तो संघ को समझ आया कि भैया इकट्ठे ना होने देने में एक जो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है वो एक बीमारी ये है कि लोगों को मंच में, माला में, प्रतिष्ठा में बड़ा आनंद आता है। कि जितने भी नेता होते हैं, जितने भी अभिनेता होते हैं, जितने भी स्टार बनते हैं, जिनको भी ये लगता है कि उनका जो अपने व्यक्तित्व है वो समाज से या लोगों से ज्यादा ऊपर है, या वो अपने आप को कहीं अलग महसूस करते हैं, वो कभी भी इस बात को समझ नहीं सकते कि जो इकट्ठा होने का काम है वो अपने ईगो को, अपने अहम को, अपनी वाहवाह को, अपनी तरजी को, अपनी इंपॉर्टेंस को खत्म करने के बाद शुरू होता है। अब उस इंपॉर्टेंस में, उस वाहवाह में, उस तरजी में क्या क्या चीजें आती हैं। किसी को बहुत अच्छा लगता है कि कोई संगठन बना, कोई एसोसिएशन बनी, उसमें पद मिल गया, फलाने जी इसके कोषाध्यक्ष हो गए, फलाने जी इसके प्रधान हो गए, फलाने जी इसके सचिव हो गए, उनको उसी में मजा आता है, उनको समझ नहीं आता कि इन चीजों के क्या नुकसान है। दूसरा, उनको अपना ईगो जागता रहता है, कहीं कोई छोटी मोटी ख्याति हो जाती है तो उनको इस बात में बड़ा मजा आता है कि मेरी ख्याति हो गई है, मेरी बहुत प्रतिष्ठा है, मेरी बहुत प्रशंसा है, और इस प्रशंसा और प्रतिष्ठा के चलते मैं बहुत महान हूं। और वो जो मैं अंदर आ जाता है, उस मैं के चलते वो कोई काम नहीं कर पाते, वो अपने मैं के साथ जीते हैं, अपने मैं के साथ मर जाते हैं। वो ये जो नेशन बिल्डिंग का काम है उसमें एक ईंट जोड़ने का भी जो है कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते। उनको मंचों पे बैठने में बड़ा मजा आता है कि कहीं मंच सजे, वहां माइक वाइक लगा हो, माला वाना पहनाई जाए, और उन्हें कहा जाए आइए जी आप फलाने पदाधिकारी, आइए बैठिए या बात कीजिए। तो घंटों घंटों तक भाषण देते हैं उन माइकों पे, हजारों हजारों माला पहन लेते हैं, लेकिन उनका भी नेशन बिल्डिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। वो ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, वो कहीं कोई ईंट का भी कंट्रीब्यूशन नहीं करके जाते। इन सब चीजों से उनका जो ईगो है वो मसाज होता रहता है, पद से, प्रतिष्ठा से, मन से, माला से। तो संघ ने क्या काम किया, संघ ने नियम ऐसे बनाए कि ईगो मसाज करने का सिस्टम ही खत्म कर दिया। ना मंच होगी, ना माला होगी, ना प्रतिष्ठा होगी, ना प्रशंसा होगी, कुछ नहीं होगा। तो किसी का अगर ईगो जागता भी होगा तो वो ठंडा हो जाएगा, और किसी कोई अपना ईगो लेके संघ में आएगा भी तो वो अपना ईगो खत्म कर देगा, और अगर नहीं खत्म कर पाएगा तो संघ के किसी काम का नहीं है, वो चला जाएगा। इसलिए पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, संघ का पंजीकरण कभी नहीं। इतिहास भी अगर आप उठा के देखेंगे तो संघों के पंजीकरण कहीं नहीं होते। पंजीकरण उस चीज का होता है जिसका कोई स्वामी होता है, जिसका कोई ओनर होता है, जिसका कहीं कोई मालिकाना हक होता है, जिसकी कहीं कोई डोर होती है। संघ की ना कोई डोर होती है, ना कोई संघ में किसी का कोई मालिकाना अधिकार होता है, संघ में ना किसी की कोई रजिस्ट्री होती है, ना कोई रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा, संघ का जो दूसरा नियम है कि चंदा कभी नहीं, कोई बैंक खाता भी संघ का नहीं होता, क्योंकि बैंक खाता खुलवाने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, पैन कार्ड लगता है। जब संघ का कोई बैंक खाता भी नहीं होता तो
तो संघ रजिस्ट्रेशन करा तो संघ का कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी रजिस्ट्रेशन तब होता है जब कोई सेंट्रिक बॉडी होती है, जब कोई केंद्रीय कार्यालय होता है, जब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है। संघ में कोई भी सिस्टम सेंट्रलाइज्ड नहीं होता, संघ हर जगह से चलता है। कभी संघ गुजरात से चलता है, कभी महाराष्ट्र से चलता है, कभी देहरादून से चलता है, कभी मसूरी से चलता है, कभी केरला से चलता है, कभी कश्मीर से चलता है, कभी आसाम से चलता है, कभी गुजरात से चलता है। संघ अलग अलग जगह से चलता है क्योंकि समण संघी जहां है वहां संघ का काम है। इसलिए संघ को कभी पंजीकरण की जरूरत पड़ेगी नहीं, पहले भी नहीं पड़ी, अब भी नहीं पड़ेगी और आगे भी, अब भी नहीं पड़ रही और आगे भी नहीं पड़ेगी। संघ आदि से सबसे ऊपर जब हम सारे समण बैठते हैं अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए, दिन रात चर्चा करते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके रखते हैं, अपनी पूरी जान लगाते हैं कि हम वो अचीव कर लें जो जिसके लिए हम इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, तो उस काम को करने के लिए संघ जब बैठेगा, संघ अपने लिए जो निर्णय लेगा वो निर्णय संघ के सबसे ऊपर होंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति तो है नहीं, कोई केंद्र बिंदु नहीं है, कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, तो संघ अपने आधे अपने जो डिसीजन है वो खुद लेगा। और संघ जब अपने डिसीजन खुद ले लेता है तो संघ के आदेश बन जाते हैं। जैसे ये 10 गोल्डन नियम बने, ये 10 गोल्डन रूल्स बने, तो ये सारे के सारे संघ बैठा, संघ ने डिसाइड करे। अब ये 10 गोल्डन नियम संघादिशेष हो गए हैं। अब ये संघादिशेष हम सबको मानना है, संघ को भी मानना है, संघ के बाहर जो समण लोग हैं वो भी मानना है। थोड़े थोड़े मान रहे हैं, थोड़े थोड़े मान रहेंगे, और जैसे जैसे संघ विकार रूप लेता जाएगा, बड़ा रूप लेता जाएगा, ये जो संघादिशेष है ये समणों में सबको मानना पड़ेगा। और संघादिशेष सबसे ऊपर इसलिए भी होता है, अच्छा लेंगे या बुरा लेंगे डिसीजन वो संघ अपने लिए लेगा। हालांकि संघ जब बैठता है तो बहुत सारे उसमें लोग होते हैं, तो संघ के किसी भी डिसीजन का गलत होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। सारे जो डिसीजन है वो अच्छे होते हैं, सारे संघ अच्छे होते हैं, संघ जितने भी नियम निधि रूल आदेश देता है वो सारे के सारे नेचर पे बेस्ड होते हैं, वो सारे के सारे अच्छे होते हैं। इसलिए उनको मानना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए और संघादिशेष को अपने से भी ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हमसे सबसे ऊपर संघ है और संघ ही हमको बचाएगा। इसलिए संघ को ऊपर रखना है तो संघ के आदेशों को भी सबसे आगे रखना होगा। अगला जो नियम आता है वो आता है, संघ राजनीति में कभी नहीं आए। पिछले इतने महीनों से संघ की संगतियां हो रही हैं और समर संघ बार बार कहता है कि राजनीति तो संघ के पैरों की जूती होती है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि राजनीति कुछ लोग करते हैं, राजनीति में संघ नहीं जाया करते हैं। संघ के जितने लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ संघ का काम करते हैं, संघ अपना काम खुद करता है। अगर संघ राजनीति में चला जाएगा तो संघ एक बहुत छोटी इकाई हो जाएगा। संघ अपने आप में इतना महान होता है कि संघ को राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है, उल्टा राजनीति संघ के कदमों में आके गिरती है और राजनीति संघ के कदमों में आके कहती है कि हे संघ, हमें बताओ कि हमें देश को बनाने के लिए क्या करना है, हमें देश को बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो फिर संघ बताता है कि राजनीति तुम ये काम करो, राजनीति तुम ये काम करो। वैसे भी बाबा साहब आगे कहे हैं, अगर आपको कोई पॉलिटिकल विल क्रिएट करनी है तो उससे पहले आपको सोशल विल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल विल से ही पॉलिटिकल विल अपने आप बन जाती है और पॉलिटिकल विल के साथ साथ बहुत सारी और विल बन जाती हैं। तो राजनीति में संघ को जाने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, तो जब जरूरत नहीं है तो संघ जाएगा क्यों, उल्टा राजनीति संघ के कदमों में आके गिरेगी और जब जब जरूरत होगी तब तब राजनीति संघ के आगे हाथ जोड़ के आएगी और राजनीति बोलेगी हे संघ, हमें बताओ हमारे लिए क्या आदेश है। तब आपको समझ आएगा कि संघादिशेष की क्या कीमत होती है। हाँ, कोई समण भाई राजनीति में जाना चाहता है तो उसको खुली छूट है, वो जाए, वो राजनीति करे, वो राजनीति में जाके इलेक्शन लड़ना चाहता है इलेक्शन करे, कहीं पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स करना चाहता है वो पार्टी पॉलिटिक्स करे, लेकिन संघ कहीं नहीं जाएगा, संघ जा ही नहीं सकता राजनीति में। ये नेचर के बिल्कुल नियम के खिलाफ है, संघ के नियम के खिलाफ है कि संघ राजनीति में जाएगा, तो संघ कभी राजनीति में जाएगा। संघ में संघातक की कभी वापसी नहीं। ये जो शब्द है संघातक, इसकी ग्रेविटी, इसकी गहराई, इसकी इंपॉर्टेंस
इसकी प्राथमिकता हम सबको समझ लेनी चाहिए कि जो शब्द है संघातक, इसका मतलब कितना गहरा। संघातक कोई यूं ही नहीं हो जाता कि किसी को नियम समझ नहीं आए, या किसी को नियम कोई नियम माना नहीं, या किसी ने जो है इग्नोरेंस में नियम नहीं माने, वो संघातक की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन कोई जान पूछ करके, षड्यंत्र रच के, संघ के खिलाफ माहौल बना के संघ को कोई घात पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो संघ से बेदखल कर दिया जाएगा, वो संघ से बाहर निकाल दिया जाएगा, वो संघ से बिल्कुल ही उसको किनारे कर दिया जाएगा और उसकी वापसी कभी नहीं हो सकती। इस बात को ऐसे समझिए जैसे एक घर में अगर माँ बाप उस घर को चलाते हैं, बच्चे से गलती हो जाती है, इग्नोरेंस में हो जाती है, कई बार गलती छोटी मोटी होती है, कई बार गलती बड़ी भी होती है, लेकिन अगर कोई बालक षड्यंत्र करके उस घर के हिस्से करने की कोशिश करे, उस घर को ही तोड़ने की कोशिश करे, उस घर को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जो जिस घर ने उसका पालन किया है, पोषण किया है, उसको शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, जीवन दिया है, सांस दी है, भोजन दिया है, उस घर को ही अगर वो बालक षड्यंत्र रच के खत्म करने की कोशिश करेगा तो माँ बाप भी फिर उसको घर से बाहर निकालने से पहले सोचेंगे नहीं, उस घर में उसकी वापसी कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जिसने ये षड्यंत्र कर लिया कि वो घर को तोड़ेगा, जिसने ये षड्यंत्र कर लिया कि उस संघ के खिलाफ काम करेगा, तो आप विश्वास मानना कि वो आदमी जब भी संघ में आएगा वो अपने षड्यंत्रकारी दिमाग के साथ ही आएगा, वो आके तब भी षड्यंत्र करेगा। इसलिए संघ में किसी षड्यंत्रकारी की, संघाते की कोई वापसी नहीं होगी। हाँ, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि संघ को लगता है कि जो है कि इस आदमी को क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उस केस में जो इग्नोरेंस में हो गया या उसकी स्टडी कर ली और पता चल गया कि ये गलती उससे जानबूझ के नहीं करिए, भुलावे में हो गई, उसको तो संघ जो है एक बार को कह सकता है कि आ जाए, लेकिन कोई षड्यंत्र करके संघ को तोड़ने की कोशिश करेगा, संघ में घात करेगा, उसकी कोई वापसी नहीं। उपरोक्त जो नियम है 9 जो नियम है वो कभी बदले नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है जो 10वां। ये ऐसे मानिए किसी ने एक पेटी का ताला लगाया और उसकी चाबी समुद्र में फेंक दी, अब वो चाबी नहीं मिली। 10वां जो नियम है तो ऐसे समझिए, क्योंकि ऊपर के जो 9 नियम है वो संघ के आधार है, संघ उन्हीं पे चलेगा, संघ उन्हीं को बढ़ाएगा। बहुत सारे नियम छोटे छोटे जो हमारे शैली को, हमारे कल्चर को, हमारे एटीट्यूड को, हमारी पर्सनैलिटी को संगी बनाएंगे, वो नियम धीरे धीरे आते जाएंगे, वो नियम आएंगे, वो नियम इम्प्रूव भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो 10 नियम है ये बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद बनाए, संघ ने अपने लिए खुद बनाए, इसलिए ये चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि ये ही वो नियम है जो हमें आगे लेकर के जाएंगे, यही वो नियम है जो संघ को आगे बढ़ाएंगे, और यही वो नियम है जिनसे संघ इतना विशाल हो जाएगा कि आप जहां भी बैठेंगे आपकी इज्जत होगी, आप जहां भी बैठेंगे और बताएंगे मैं समर संघी हूं, लोग आपके आगे झुकेंगे, लोग आपको सलाम करेंगे कि ये एक महान समर संघी है जिसने संघ को आगे बढ़ाया है, जिसने समणों को आगे बढ़ाया है, लोग आपके आगे झुकेंगे। इसलिए ये नियम कभी नहीं बदले जाएंगे, और ये नियम किसी भी कीमत पर नहीं बदले जा सकते, क्योंकि ये नियम संघ के 9 नियमों की जान है, जो 10वां नियम है ये संघ के 9 नियमों की जान है। ये अगर बदल दिया तो आप ये समझना कि अगर ये 10वां जो नियम है, इस ताले की चाबी अगर आप खोल दी, तो ये समझ लेना कि संघ में जो कहा जाता है वो नहीं। इसलिए ये 10वां जो नियम है ये ताला है 9 नियमों का, इसकी चाबी लगा दी गई है और इसकी चाबी समुंदर में फेंक दी है, वो चाबी अब मिलने वाली नहीं है, ये नियम कभी नहीं बदले जाएंगे। इसलिए 10 नियमों को अपना लें, बढ़ा लें, और जितना हो सकता है बता दें आगे, इसको जितने लोगों को बताया जा सकता है उनको बता दें, और निश्चित ही संघ आगे बढ़ेगा और संघ की जीत। सबको संगम नमामि, संगे सलाम, संघ की जय। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत साधुवाद रामचंद्र जी का धन्यवाद, अभिषेक जी बहुत बहुत साधुवाद।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।